अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी मॉडल आ चुकी है आप लोगों के सामने। आज भी हमारा लाइव मेकअप होगा, तो हम जो है स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपना मेथड। जिस तरह कि हमने कल इस स्टिक के साथ काम किया था, और हमने इसका पैनकेक भी जो प्रेस पाउडर लगाया था वो काशीस का ही था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तरीका इसका चेंज करूँगी। आज हम ये स्टिक लगाएंगे, उसके बाद हम ये ग्लैम बाय सना जो है हम ये ऊपर जो है पानी के साथ गीला करके अपने स्पंज को ये यूज़ करेंगे, ठीक है। कल मैंने इसके साथ आपको क्लास दी है, ये दो चीज़ों के साथ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा ब्राइडल्स आ जाएँ तो आपने कैसे हैंडल करना है, बस ये लगा के ऊपर पानी के साथ ये पैनकेक लगा के दैट्स इट, आपकी बेस फाइनल है। आज हम क्या करेंगे, ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। ये है ग्लैम बाय सना, ये उसकी है। तो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं। मैं थोड़ा सा इनके ये प्राइमर लगा लूँगी, और ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं लगाना, आपने इतना लगाना है कि इसके पोर्स जो है वो क्लोज़ हो जाए, ओपन जो हो रहे होते हैं, और जो है इसकी स्किन जो है मुलायम सी हो जाए, ठीक है। हम आज फिर जल्दी जल्दी से अपनी मॉडल को रेडी करेंगे, क्योंकि आज मेरी ऑलरेडी ब्राइडल्स हैं, तो मैंने एक घंटे तक आपको ये आज एक घंटे से पहले पहले आपको ये रेडी करके दिखानी। ऊपर देखें, चले जी ये स्टिक लगा लें हम। ये स्टिक है 11, ठीक है। आज मैं ज़्यादा मिकदार में नहीं लगाऊंगी इसको, ठीक है। ये वाटरप्रूफ है, इसके साथ कोई आपके पैचेस नहीं पड़ते। उसके बाद ये है कि ये वाटरप्रूफ है, और ये बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो चलती है। ये आपने ब्लेंडिंग करनी है आपने अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर तक जो है वो स्टिक चली जाए, ठीक है। आपने वो मैंने स्टिक उसके फेस पे लगा ली है, ठीक है। हाँ ना, इसका फेस नीचे ना थोड़ा सा, ये चीज़ ये मैंने अब पानी के साथ जो है ये लगाने लगी हूँ इसका, ठीक है। मैंने वही पहले जो कल ये पहले मॉडल के यूज़ किया था, ये वही है काशिस का पैलेट है ये, और 10 नंबर है इसका, कौन सा 001, ठीक है। हाइलाइटर भी उसी का ही है। अभी जब सारा मेकअप होकर डस्ट आउट होकर फिक्सर लगेगा, फिर ये बेस भी अच्छे से बैठ जाएगी, और ये
लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मैं काशीज की शेड है, ये बिल्कुल ड्रेस के साथ मैच है और मैं ये यूज करने लगी हूँ। ओके ये पकड़े जरा, आपने ज्यादा मिकदार में यूज नहीं करना लाइनिंग। इसके साथ अब इसने आपने इनको फिक्स कर लेना है। ओके चलिए जी, इसको कर लिया। आप चाहें तो यूं भी करके इसके रबर बैंड डाल सकते हैं, बट अभी हमने ऐसा कुछ नहीं करना।
फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी मॉडल रेडी कर ली है और आप देख सकते हैं इनका ओवरऑल मेकअप, इनका ड्रेस जो है वो ड्रेस जो है वो काशीज़ का है, ज्वेलरी भी इसकी काशीज़ की है। ठीक है, ये चीज़ें आपको रेंट पे मिल जाएंगी। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा माय यूट्यूब चैनल और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी मॉडल जो है वो कैसी लगी है। लाइव मैंने मेकअप किया है इनका, तो ये चीज़ें जो हैं सारी आपको मुझसे क्लासिक ब्यूटी सलोन शाहकोट से मिल जाएंगी। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी मॉडल जो है वो कैसी लगी है। लाफेज, थैंक यू। आइस बंद करेंगे, नीचे देखेंगे थोड़ा सा।